स्टेज प्रबंधन संस्थान ग्वालियर में देश की प्रख्यात नृत्यांगना पद्म भूषण डॉक्टर उमा शर्मा द्वारा कथक नृत्य का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति से जोड़े रखना था। आपको बता दें कि कार्यक्रम के प्रारंभ में डॉक्टर उमा शर्मा ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। उन्होंने कथक की प्रस्तुति से पूर्व कथक की बारीकियों के विषय में जानकारी दी। उनके नृत्य कौशल से सभी मौजूद लोग काफी प्रभावित दिखे। कथक नृत्यांगना डॉक्टर शर्मा की नृत्य प्रस्तुति सभी को भाव विभोर कर गई। क्लासिकल गायन, क्लासिकल वाद्य, क्लासिकल नृत्य, इन सब में बड़ी रुचि ले रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यही है, हॉस्पिट मेकिंग का भी उद्देश्य यही है। अभी तक आपने कौन कौन से कॉलेज में अपने अपनी प्रस्तुति करे हैं और करने जा रहे हैं? अभी सुबह करके आ रहे हैं। कौन से? एक इंस्टीट्यूट में, आईटीएम इंस्टीट्यूट, वहाँ गए थे। बहुत अच्छा था, बड़ा अच्छा समा था। इट वॉज लवली एटमोसफेयर एंड स्टूडेंट्स बहुत जुड़े, सब ने बहुत रुचि ली। छोटे भी थे, बड़े भी थे, सभी थे। दूसरा आपका ये है प्रेस्टीज कॉलेज? बस ग्वालियर एक हिस्टोरिकल प्लेस है, पुराना स्थान है, क्योंकि इत्तेफाक से मेरे पिताजी भी ग्वालियर, धौलपुर, ये सब जगहों से पले बड़े, जन्म हुआ उनका और फिर दिल्ली हम लोग चले गए। तो हमारी परिवार साथ में दूसरे लोग भी आए हैं, मेरे शागिर्द हैं, मेरे साथ म्यूजिशियंस हैं और सब हम लोग क्लासिकल कथक नृत्य की प्रस्तुति कर रहे हैं। कहाँ पर करने आए हैं आप ये? जी प्रोग्राम कहाँ कर रहे हैं आप ये, अपना कथक प्रस्तुति कहाँ दिखा ये रहे? सब इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं हम लोग, सभी इंस्टीट्यूशन में। हाँ, क्या सभी इंस्टीट्यूट में, उद्देश्य क्या है? आज की युवा पीढ़ी, उनमें क्लासिकल संगीत, नृत्य और वाद्य का पूरा ज्ञान देना, उनकी रुचि को बढ़वाना। जिस बदलते हुए समय में हमारे युवा पीढ़ी इस पे ध्यान दे, इसको समझें, क्योंकि असल में रूट्स तो यही क्लासिकल नृत्य, संगीत, वाद्य, ये जो हमारे हैं, ये हमारी धरोहर, हमारी अपनी संस्कृति है। इसमें युवा पीढ़ी को इन्वॉल्व करके रखना है और इसी के आधार पर मैंने क्लासिकल प्योर संगीत नृत्य महोत्सव 4 दिन का